इस तरह की चीज़ें यहाँ बालिका गृह में हम लोगों को लग रहा था बच्चियाँ सुरक्षित हाथों में हैं। समय समय पे 5 माह में मैं हर महीने 15-20 दिन में बच्चियों के बीच आती थी, कभी दिवाली स्नेह मिलन समारोह पे, कभी किसी वक्त। और इस चीज़ का अंदेशा नहीं था कि बच्चियों के साथ ये सब हो रहा है। बच्चियों ने कल माहौल देखते हुए, बात देखते हुए, और जब ऊपर तक बात आ गई तो बच्चों ने मुझे ये सारी बातें विश्वास के साथ बताई। ये सब बात पता लगते ही मैंने तुरंत आयुक्त से और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं उन दोनों से मैंने बात की, और बच्चों को न्याय दिलाने हेतु सम अधीक्षक और केयर टेकर को हमने यहाँ से निलंबन किया। यहाँ पे किस तरीके से बच्चों के साथ बर्ताव हो रहा था? जिस तरह से बच्चियाँ बता रही थी कि जिस तरह से हमारा मासिक आते थे तो हमको सैनिटरी नैपकिन नहीं दिए जाते थे, बहुत मांगने के बाद सुनाया जाता था कि आप अपने माँ बाप की नहीं हमारी क्या होंगी, क्योंकि कई बच्चियाँ यहाँ पर ऐसी हैं बड़ी जो प्रेम में पढ़कर और यहाँ पर आई हुई हैं 18 वर्ष पूरे करने के लिए लड़के के साथ जाने के लिए। तो उनको मैं ये उम्मीद करती थी कि काउंसलिंग की जाए, उनको बताया जाए सही रास्ता क्या है, और बच्चियों को इस तरह के जवाब दिए जा रहे हैं, अभद्र भाषा का यूज़ किया जा रहा है, और अचानक सभी बड़ी बच्चियों का सबके कपड़े खुलवा कर और उनको पिंच करना। जब मैंने पूछा अभी केयर टेकर से बात हुई कि क्यों खुलवाते थे आप कपड़े, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैडम कभी कभी खुलवाते थे चेकिंग करने के लिए कि कुछ छुपा तो नहीं रखा है, तो उसके लिए पूरे कपड़े उतरवाने की कहाँ आवश्यकता है। इस तरह की बातें जब सामने आई, कुछ एक बच्ची तो इतनी परेशान हो गई कि उसने कहा मेरी इच्छा हुई कि मैं फांसी ले लूँ, तो मैंने उसको विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हारे लिए खड़ी हूँ, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत है। तो उसके बाद आज बच्चियों से मिलने आई थी कि उनको कोई डराया धमकाया तो नहीं गया, उन पर दबाव तो नहीं आया। मैं बच्चियों को समझा के आई हूँ कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं अभी भी आपके साथ खड़ी हूँ। बच्चे खिलौना है, एक्टर तो नहीं है, किसी को मिला नहीं सकते।